हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेडीमेड कुर्ती में बाजू लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले हमें आर्म होल्स की लेंथ लेनी है। लेंथ हम इसे ऐसे हल्के हाथ से खींच के लेते हैं। ये आ रही है हमारी 8.5 इंच। साथ ही साथ मैं आपको बाजू की कटिंग करना भी बता रही हूँ, क्योंकि रेडीमेड कुर्ती में कटिंग होती है और ये हम आपको कटिंग करना भी बता रहे हैं किस तरीके से करते हैं। और सबसे पहले हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है और फिर से हमें एक बार फोल्ड करना है। जो हमारी बाजू की लेंथ आ रही थी वो 8.5 इंच आ रही थी, तो हम इसकी चौड़ाई 9 इंच लेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और लेंथ आप अपने अनुसार ले सकती हैं। और सबसे पहले हमें बाजू ऊपर से 3 इंच पर एक निशान लगाना है ऐसे, और इसके बाद हमें साइड से 2.5 इंच लेनी है, क्योंकि जो हमारा कपड़ा है वो 9 इंच का है, इसलिए हमने 2.5 इंच लिया है। यदि हम 3 या 4 इंच की बाजू बनाते तो उसमें हम 1.5 इंच लेते। इसके बाद जैसे कि हमारी मोहरी 14 है तो उसका हाफ 7 इंच लेना, क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्ड है और 1 इंच हमने इसमें ऐड किया है। इसके बाद हमें इस निशान को ऐसे मिलाना है और फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग का निशान लगाना है। जैसे कि तिरछा हमारा ये 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे ऐसे, और इसकी हमें गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट के आर्म होल्स का निशान है। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। इससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप इससे किसी भी साइज़ की बाजू बना सकती हैं और कटिंग कर सकती हैं। कि आप कई बार ये पूछती थी कि 9 इंच क्यों लिया है चौड़ाई और 8 इंच क्यों ली है, तो अब ये कन्फ्यूजन दूर है। जितनी आप आर्म होल्स की गोलाई आए उसमें आप सिर्फ हाफ इंच ही ऐड करें। और ये हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें बाजू को फोल्ड करना है। हमने इसमें 2 इंच ऐड किया था। पहला फोल्ड हाफ इंच पे करेंगे और दूसरा फोल्ड हम 1 इंच पर कर रहे हैं। टोटल हम नीचे से 1.5 इंच फोल्ड कर रहे हैं और ऐसे हमें इस पर सिलाई लगानी है बाजू पर। देखिए, हमने मोहरी पर पूरी पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें बाजू को ऐसे फोल्ड करना है, और जैसे हमारी मोहरी 14 है तो उसका हाफ 7 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। यहाँ पे ऐसे 7 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। और इसके बाद जो हम दूसरा निशान लगाएंगे, आर्म होल्स की लेंथ लेने के बाद ही लगाते हैं। हमने ऐसे इस कुर्ती को लिया है और ऐसे हमने इंची टेप को रखा है और इसे हल्के हाथ से खींचते हैं। ये 8.5 इंच है, तो इसके बाद यहाँ पे भी हमें 8.5 इंच पर ही एक निशान लगाना है। चाहें तो आप बाजू में, मैंने हाफ इंच ऐड किया है तो आप 1 इंच भी ऐड कर सकती हैं, ताकि आप, कई बार हम मोटे हो जाते हैं तो हमें लूज़ करनी पड़ जाती हैं इसलिए। और हमने एक निशान लगाया है, और ऐसे आप इस पर सिलाई लगा लें। मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद मैंने बाजू को सीधा किया है, और जो हमारे कुर्ती है रेडीमेड में अधिकतर पाइप इन की तरह ये आर्म होल्स बने हुए आते हैं, तो हमें बाजू को सिर्फ ऐसे सीधी साइड में रखना है और सूट के कपड़े को भी हमें सीधा रखना है। तो हमें ऐसे इसमें सिलाई लगानी है। जो हमारी रेडीमेड कुर्ती आती हैं बनी हुई, उनमें सिर्फ हम सीधी साइड से ऐसे सिलाई लगाते हैं। ये रेडीमेड कुर्ती को सिलने का तरीका था बाजू को। इसके बाद अब हम ये नॉर्मल कुर्ती को सिलेंगे ऐसे ऐसे। जो हमारी फ्रंट की कटिंग है बाजू की, फ्रंट पे ही आनी चाहिए, और ऐसे हमें बाजू को रखना है सीधा करके। और जो हमारी नीचे की सिलाई है इसे हमें आपस में मिलाना है, और इसके बाद हमें राउंडली पूरे में ही ये सिलाई लगानी है। ये हमारी सिंपल तरीके से बाजू लगाई जाती है, रेडीमेड कुर्ती में ऐसे लगाते हैं जो मैंने आपको बताया था। और इस तरीके से हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। बहुत ही इजी तरीका था जो मैंने आपको बताया है। फिर भी आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और इसी तरीके से हमें इसमें पूरी में ही सिलाई लगानी है। देखिए, इस तरीके से राउंडली हमने पूरे में ही सिलाई लगा ली है। इस तरीके से हमने बाजू को लगाया है। फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।